हैप्पी बर्थडे रितिका लिखी हो, ये पता नहीं कौन सी स्पेलिंग लिखी है, शायद फ्रेंच में लिखा है उसने, हमें समझ नहीं आया। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ प्रीति पावा। और गाइज, आज का व्लॉग भी मेरे पुराने व्लॉग्स की तरह बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो क्या है आज का व्लॉग? सो गाइज, आज पहली बार मैं अपनी छोटी सी काकी को लेके बाहर जा रही हूँ। उसके बाद हमारा डिनर है हमारी मामी के घर, जहाँ पे आरुषि भी आ रही है। छोटा सा काका यहाँ रो रहा है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ और वो मुझे कह रही है गोद में उठाओ, गोद में उठाओ, गोद में उठाओ। तो गाइज, मैं जल्दी 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 बोलती हूँ क्योंकि अभी हम निकलने लगे हैं। रो पड़ी। तो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम निकलने लगे हैं। मैं अभी इसको लेके जा रही हूँ मंदिर, देन उसके बाद हम इसको आज घुमाने लेके जाएंगे क्योंकि आज फर्स्ट टाइम ही किसी के घर जाएगी, क्योंकि अब तक 40 डेज तक बच्चे को निकालना अलाउ नहीं होता और फाइनली ये हो गई है 40 डेज की और आज ही किसी के घर जाएगी। तो गाइज, आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड डू कमेंट एंड डू लाइक माई व्लॉग। और गाइज, मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आप व्लॉग्स में क्या क्या देखना चाहते हैं और मुझे जरूर कमेंट सेशन में बताएं। सो गाइज, मेरे थोड़े से कपड़े चेंज हो गए हैं क्योंकि मेरे पति देव को मेरे वो कपड़े पसंद नहीं आए और उन्होंने बोला ये पेन इसमें ज्यादा क्यूट लग रही है। सो गाइज, अब हम निकलने लगे हैं और ये मेरे पति देव जो पीछे रेडी होके खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि मैं अपनी बकवास बंद करूं और हम चले चले चले। वो गाय हो गया चले। आयुषि, तू कहाँ है? मेरे को तेरी बहुत जरूरत है, तेरा भाई बहुत बोरिंग है। आई हेट हिम। तो गाइस, हम आ गए हैं मामू के घर, पहुंच गए। चलो मिलवाते हैं अपनी भाभी से। आओ आओ गाइस, इनका बर्थडे आज। विश हर हैप्पी बर्थडे और हैप्पी बर्थडे। और आज मेरी फर्स्ट आउटिंग है, मैं किसी के घर आई हूँ 40 दिन बाद। इधर आओ। कौन सी वीडियो देखी? कौन कौन सी देखी है बताओ? अच्छा, ये उतार दे चाची, मास्क उतार दे, बता। इधर आओ, ये हमारा छोटा सा बाबू है। कौन कौन सी वीडियो देखी है? मेकअप की। मैं पक्की। अच्छा, कहाँ देखी आपने मेरी वीडियो? मोबाइल में। आपको मेकअप करना पसंद है? आपको मेकअप का बहुत सारा सामान दे दूँ करने के लिए। आप मेरे घर आओगे? आयुष खराब है तो फिर क्या दूँ? इसको लिपस्टिक दे देंगे, नेल पेंट और लिपस्टिक और किसी का दे। लक्षु पीछे देखो, हेलो करो आप, हेलो करो यहाँ पे, पहले चाची को हेलो करो। अच्छा, इसके ऊपर कुछ बना के दिखाओ चाची को, कुछ भी बना के दिखाओ। क्या बन? चूहा। ये चूहा है। अच्छा हटो, चाची देख रही है। ये चूहा इतना बड़ा, इतना मोटा चूहा है। तो मोटा चूहा बनाना आता है मुझे। मोटा ही चूहा बनाना आता है। फाइनली आरुषि आ गई। ये बहुत लेट आई है। मैं पल आधा घंटा लेट हूँ। एक घंटा हाँ, मैं एक घंटा लेट हूँ। हेलो, हम फाइनली मिल ले। मैं आपके लिए बहुत एक इधर देखो क्यूट सी चीज लेके आई हूँ। क्या लेके आई हो? बिग वाले बॉक्स में गोल्डन कलर। जाओ जाओ अपना गिफ्ट खोलो, जल्दी जाओ। हेलो, क्या खा रहे हो? चुपके क्यों खा रहे हो? गाइस, अब टाइम है केक काटने का। और ये मेरे साथ क्या कर रही है?
मैं देख रही हूँ भाभी को बुला रही हूँ, आई नहीं रही, काम करी जा रही है। जिसका बर्थडे है वो काम कर रही है, और ये हमारी दूसरी भाभी ये भी काम कर रही है और हम दोनों ना खाई जा रहे हैं। पहले जब मैं आती थी यहाँ पे तो मैं करवाती थी, अब मेरी भाभी आ गई और मेरी शादी हो गई, मैं चिल मार रही हूँ और मेरा बच्चा हो गया, मैं भी चिल मार रही हूँ। हमने उसको बोला हैप्पी बर्थडे रितिका लिखी हो, ये पता नहीं कौन सी स्पेलिंग लिखी है, शायद फ्रेंच में लिखा है उसने, हमें समझ नहीं आया। रितिका हेलो भाभी, केक काट लो। ये हमारी मामी है, ये मेरे छोटे काके को भी दूध पिला रही है क्योंकि हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू मामी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रिति भाभी। काकू तो गाइस डिनर टाइम, सारे खा रहे हैं डिनर, मैं यहाँ पे काकी को सुला रही हूँ और साथ में यही बैठ के खा रही हूँ थोड़ा सा खाना। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, बहुत सारा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे भी नींद आ रही है। हेलो रोहित, हेलो रोहित, देखो हमने सेम सेम पहना है क्योंकि वैलेंटाइन वीक है, तो हमने सोचा कि हम रेड रेड पहन के जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और कुछ बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं अपने पतियों के लिए। पति देव, मेरा पहला वैलेंटाइन है, मेरा दूसरा। So, क्या ले? क्या लेंगे, क्या लें? नहीं पता, जाके पता चलेगा। एक चॉकलेट ही दे देते हैं, काफी होता है ना। यार मेरे को आज लेंस लगाना चाहिए था। हाँ बट कोई बात नहीं, मैं लेंस आप लोगों को आरुषि का चश्मे वाला रूप भी देख लो, इसमें भी क्यूट लग रही है, क्यूट तो है ये हमारी लड़की। सो गाइस अब हम निकलने लगे हैं, हमने कैब बुक कर दी। तो गाइस हम पैसिफिक आए हैं क्योंकि यहाँ मॉल में हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमें क्या लेना है, और हमने रास्ते में कुछ नहीं सोचा क्या लेना है क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हैं कि हम क्या लें, और वैसे भी रास्ते में अपनी गप्पे मारने में लगे हुए थे, और अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हम क्या लें। तो चलो गाइज अब हम जा रहे हैं लाइफस्टाइल में क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम कपड़ों में कुछ देख लें। यहाँ पे हमने थोड़े से कपड़े सेलेक्ट कर लिए हैं और मेरा मेरे हाथ में ऐसे मेरे ये, और अभी हम बिल कराने जा रहे हैं और हम घर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पति देव घर आ गए हैं। ये आरुषि की शर्ट, तीन शर्ट मैं पहले दिखा देती हूँ, इससे पहले रोहित देख ले, और ये मेरी यहाँ फिलिंग हो रही है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।